गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 28 करते हैं हमारी गोल्डन ग्रामर की बुक में। चैप्टर 28 दैट इज़ होमोफोन्स। मेरे ख्याल से एक आपको होमोफोन्स के बारे में तो पता ही है, फिर भी हम एक बार पढ़ते हैं। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्पेल्ट सेम होते हैं, मतलब हम उसे साउंड सेम देते हैं लेकिन उसके स्पेलिंग भी अलग होते हैं और उसके मीनिंग्स भी अलग होते हैं, लेकिन उसके साउंड्स है वो सेम होते हैं। होमोफोन्स, होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम, जो एक जैसी आवाज़ निकालते हैं, एक जैसा ही साउंड उसका आता है, बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली, लेकिन उसके स्पेलिंग अलग होते हैं, एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, और उसके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी 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 ई बी एंड बी डबल ई दैट्स ऑल्सो बी, एच ई ए एल हिल, एच डबल ई एल दैट्स ऑल्सो हिल। देखो है ना, स्पेलिंग अलग और इसके मतलब भी अलग होते हैं। डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट, डब्ल्यू ए एस टी ई वेस्ट, H E A R here, H E R E here, C E R E A L serial, S E R I A L serial, K N O T not, N O T not, T H E R E there, T H E I R there, D-Y-E die, D-I-E also die, S-C-E-N-T sent, S-E-N-T sent। तो यहाँ आपने देखा ये examples जो है इसमें same sound है, B B, hill hill, west west, इस तरह से sound same है लेकिन इसके spellings जो है सबके अलग अलग है और इसके meanings भी अलग है। हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको ब्रैकेट्स दिए गए हैं, जो ब्रैकेट्स का जो स्पेलिंग आपको करेक्ट लगे कि ये स्पेलिंग यहाँ आना चाहिए, दूसरा स्पेलिंग दूसरे ब्लैंक में जाना चाहिए, वैसे आपको कंप्लीट करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। द बॉय थ्रू, टी एच आर ई डब्ल्यू थ्रू, फेंकना। द बॉल through, T-H-R-O-U-G-H, through the open window, खुली खिड़की से लड़के ने बॉल फेंका। The miser buried the hole, T-W-H-O-L-E, hole, box of coins in the hole, H-O-L-E, hole. Third, only those persons आर अलाउड, को ऐसे ही पर्सन अलाउड, ए डबल एल ओ डब्ल्यू ई डी, ये अलाउड का मतलब परमिशन ग्रांटेड, अलाउड टू द कॉम्पिटिशन हु सेड दे कुड रीड अलाउड, ए एल ओ यू डी अलाउड, मतलब जोर से बोल सकते हैं वो। राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट द राइट आंसर, सही जवाब लिखो। वॉट फेयर डू यू चार्ज, फेयर का क्या चार्ज है, आस्क द फेयर मैडम। द हंग्री डॉग सिट्स ऑन द स्टेयर्स, एस टी ए आई आर एस स्टेयर्स, एंड स्टेयर्स एट द फूड होपफुली, इस स्टेयर्स का मतलब गुरना। Cool winds blew, B-L-E-W, blew, over the blue sea, B-L-U-E, blue sea. We could see, S-E-E-C, the sea, S-E-A, samudra, from our window. Our parents will be back in an hour, O-U-R, our parents will be back, वापस आएंगे in an hour, एक घंटे में। I knew, K-N-E-W, knew, that the watch was new, मैं ये जान गई हूँ कि
घड़ी नई है. By half time we had won one game. आते ही समय में हमने एक गेम जीती. Some boys found the sum difficult. कुछ लड़के को सम डिफिकल्ट लगते थे. Pinocchio knows that his nose becomes longer when he tells a lie. Pinocchio को ऐसा मालूम था कि उसकी नोज लंबी हो जाएगी जब वो झूठ बोलेगा. She told us a tale, T-A-L-E, tale मतलब स्टोरी, about a fox that had lost his tail. ऐसे फॉक्स के बारे में जिसकी पूंछ नहीं थी. तो बच्चों ये हमारा चैप्टर 8 होमोफोन्स. मैं सारे सेंटेंस एक बार पढ़ देती हूँ वापस. द बॉय थ्रू द बॉल थ्रू द ओपन विंडो. द माइसर बरीड द होल बॉक्स ऑफ कॉइन्स इन द होल. ओनली दोज पर्सन्स वेर अलाउड टू द कॉम्पिटिशन हु सेड they could read aloud. Write the right answer. What fare do you charge? asked the fair maiden. The hungry dog sits on the stairs and stares at the food hopefully. Cool winds blew over the blue sea. We could see the sea from our window. Our parents will be back in an hour. I knew that the watch was new. By half time, we had won one game. Some boys found the sum difficult. Pinocchio knows that his nose becomes longer when he tells a lie. She told us a tale about a fox that had lost his tail. तो देखा बच्चों ये थे हमारे होमोफोन्स जिसके साउंड्स तो हमने देखे एक्सरसाइज में. साउंड सेम बट स्पेलिंग्स आर डिफरेंट and their meanings are also different. So students, complete this chapter number 28 in your book and learn it. Thank you.